हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें बता रहा है कि क्लास 6 में आप लोगों ने सीखा होगा कि फाइबर जो है प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, और उल और सिल्क एनिमल से मिलता है हम लोगों को। तो उल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस सीप ऑफ फ्लीस ऑफ सीप और याक। जो ऊल होता है वो सीप या याक के फ्लीस से ऑब्टेन किया जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही सब इसमें बताया हुआ है कि आप लोग 6th क्लास में क्या पढ़े हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स होता है फ्लीस का। एक होता है द कॉर्स बियर्ड हेयर और दूसरा होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ये दोनों होता है। अब एनिमल फाइबर उल एंड सिल्क। एनिमल का जो फाइबर था वो उल और सिल्क होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर उल पढ़ेंगे। उल जो होता है हमें सीप गोट या याक से मिलता है। सीप गोट और याक और कुछ अलग तरह के और भी एनिमल है, यही सब अदर तरीके के एनिमल हो गए, जैसे कि कैमल समझ लीजिए। और कैमल के 2 टाइप होते हैं, अल्पाका एंड इलम। इनसे भी हमें उल मिलता है। हेयर ट्रैप जो होता है, लॉट ऑफ हेयर उनके पास होता है। एयर मतलब उसके उनके एयर में बहुत सारा एयर ट्रैप होता है। उनका जो हेयर होता है वो एनिमल को वार्म रखता है। एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है, वही बोल रहा होगा, आप समझिए जो आपके शरीर पे जो हेयर है उनको फील करिए, महसूस कीजिए। आपके माथे पर, आपके आर्मपिट में, मतलब कांख में, अब कोई उनमें आपको कोई डिफरेंस बुझा रहा है, मतलब महसूस हो रहा है, कोई होगा सॉफ्ट, कोई होगा कोई हार्ड होगा, यही सब। वही 3.1 में सीप जो है ग्रोथ ठीक ग्रोथ ऑफ हेयर दिखाया हुआ है। और एनिमल्स डेट उल येल्ड उल। एनिमल जो होते हैं वो जैसे कि सेवरल ब्रीड ऑफ सीप, कुछ सीप जो डिफरेंट कंट्रीज में पाए जाते हैं, और कुछ सोर्स ऑफ उल जो होते हैं, फ्लीस ऑफ सीप जो होते हैं वही उल के सोर्स नहीं होते हैं। वो जो मार्केट में जो सीप उल प्रेजेंट होता है, जैसा कि 3.1 में दिखा रहा है, वैसा ही याक जो है उसके पास भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जो उल जो होता है उसको तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा पाया जाता है। मोहेर एक अलग तरह का उल होता है जो अंगूरा गोट्स के द्वारा पाया जाता है। ये रहा अंगूरा गोट, एक गोट का एक ब्रीड है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हिली रीजन्स जैसे कि जम्मू कश्मीर और जो हिली स्टेट्स है वहाँ पर ये सब ज़्यादा पाया जाता है। और दी अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो अंडर फर होता है कश्मीरी गोट का, वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू फाइबर से उल चेंज करने में। तो जो सीप फॉर ऑब्टेनिंग उल को ऑब्टेन करने में सीप कुरियर करना पड़ता है। उसके बाद हेयर को कट करके उसको प्रोसेस किया जाता है उल में, और इसी प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। इसमें आप बता रहा है कि अगर आप कहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल गए होंगे या और भी ऐसे जगहों पर, तो वहाँ पर देखे होंगे कि आदमी जो बकरी वाला होता है वो सीप्स का एक झुंड लेकर उनको चराने के लिए निकल जाता है। सीप जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ग्रास और लीफ खाते हैं, और ग्रेजिंग अपार्ट फॉर ग्रेजिंग सीप रियर्स ऑल्सो फीड देम ए मिक्सचर ऑफ पल्स। मतलब उनको सिर्फ घास के अलावा कॉर्न, पल्स, ज्वार, ऑयल केक्स ये सब भी खिलाता है जो उनका मालिक होता है। और विंटर में उन्हें अंदर रखा जाता है
और उन्हें पत्तियां लाकर खिलाया जाता है, और जो ग्रीन ड्राई एंड फूडर हो जाते हैं, जो ग्रीन होते हैं वो ड्राई और फूडर होते हैं। सीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। सीप जो होते हैं वो हमारे कंट्री में मैनी पार्ट्स में यूज़ होते हैं रियरिंग ऑफ कुल के लिए। तो वैसे ही ब्रीड्स कोट ऑफ हेयर जो होते हैं वो यील्ड्स करते हैं गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़, और जो लार्ज क्वांटिटीज़ में वो गुड क्वालिटी वूल यूज़ करते हैं। मेंशनड अर्लियर दिस सीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद आवर पेरेंट विंग, और ये जो होते हैं वो अपने पेरेंट विंग के साथ एक गुड ब्रीड के सीप होते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स, अब जो फाइबर को वूल में तो उसको सीयरिंग से करते हैं, मतलब जो उसके ऊपर जो स्किन उनका लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन होता है उसको हटाते हैं, और इसी को सीयरिंग कहते हैं। और सीयरिंग में जब तक सीयरिंग होता है तब तक उन्हें अंदर रखा जाता है, क्योंकि हॉट वेदर में होता है, क्योंकि अगर ठंडे वेदर में होगा तो उनके ऊपर का गर्मी देने वाला हट जाएगा तो उन्हें ठंडा लगेगा और जिनके कारण वो मर सकते हैं, इसलिए ये गर्म सीजन में होता है सीयरिंग। और सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स, यही दिखा रहा है सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ, लोही होता है एक ब्रीड जो गुड क्वालिटी वूल देता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, रामपुर बुशहर, ये देखिए नेम ऑफ ब्रीड और फिर क्वालिटी ऑफ वूल ये जो देते हैं, और इनका स्टेट जहाँ ये फाउंड करते हैं, ये और ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी हो। उसके बाद होता है स्काउडिंग, स्काउडिंग होता है वो मशीन से होता है, क्योंकि उससे आराम से जो उसका टैंक में होता है जिससे वो मिल जाए। और उसके बाद सॉर्टिंग किया जाता है कि उसमें कुछ गंदा चीज़ या मतलब कुछ गलत अलग चीज़ नहीं रहे। उसके बाद उसको स्मॉल फ्लफी फाइबर्स बर्स के साथ उसमें से हटाया जाता है, और उसको अच्छे से डाई किया जाता है। और उसके बाद स्टेप फाइव में द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, मतलब फाइबर्स को और वेरियस कलर्स में डाई करके ब्लैक ब्राउन और वाइट उसमें कलर किया जाता है जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। और फाइबर्स आर स्ट्रेंड कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उसको रोल्ड कर दिया जाता है यार्न में, जैसे कि 3.8 के टी में आप देख रहे हैं रोलिंग इनटू यार्न और स्काउडिंग इन टैंक्स। पहले है सीयरिंग इन सिप, फिर स्काउडिंग इन टैंक्स, फिर है स्काउडिंग बाय मशीन्स, फिर रोलिंग इनटू यार्न। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये है द प्रोसेस ऑफ फाइबर चिनिंग फाइबर इनटू उल। तो पहले हो जाएगा सीयरिंग, फिर स्काउडिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ वर्स, फिर डाइंग, फिर रोलिंग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में वूल इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यह जॉब रिस्की हो जाता है कम समटाइम जब इससे हमारे बीमारी कुछ हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंथ्रैक्स जो फेटल ब्लड डिजीज़ है, जैसे कि वो रिस्क होते हैं फेस्ड बाई जो उसमें वर्कर होते हैं उस इंडस्ट्री में, उस यही हम लोग का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। और यहाँ तक हम लोग ये क्या कहते हैं पुल पर लिए। अब आगे है 3.2 सिल्क, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और सिल्क के पूरा समझने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे में हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।